हेलो एंड वेलकम गाइस, वंस अगेन दिस इज रोहित दुबे एंड वेलकम टू कॉकटेल बडीज। आज हम लोग एकदम प्राइम लोकेशन में, यानी आठोडी बाजार। ओवर देयर इज माय ओन वर्कशॉप विद कलीम भाई, बट हम आज अपने दोस्त के शॉप में आए। उसने अभी जो है उद्घाटन किया है अपने स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह का, तो इसके बारे में हम लोग आगे और जानकारी लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, हमारा एक दोस्त है सोनू। सो ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस, और किसका बिजनेस जो मॉडल है कि ये ऑलरेडी जो है टेक्नीशियन था, ऑलरेडी जो फैब्रिकेटर था, स्टील के जो स्पेयर पार्ट वगैरह है जो वो सब बनाता था, लेकिन आज उसके शॉप का हम टूर देंगे। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक आउट व्हाट ही हैव। लेट्स गो। सो गाइस, ये हमारा फ्रेंड जिसके बारे में बात करता है, हमारे ऑडियंस को हाय बोल दे भाई। तो ये है हमारा दोस्त सोनू, इसको एक दो व्लॉग में शायद आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं, लेकिन ही ओन हिज ओन बिजनेस। तो भाई बिजनेस क्या है, क्या किस चीज का है? मेरे को इतना तो मालूम है कि तू स्टील का काम पहले से ही करता है, और हमारे गाड़ियों का जो मॉड होता है उसका फैब्रिकेशन का टास्क भी यही कंप्लीट करता है। तो इट्स वेरी गुड टू सी दैट ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड गेटिंग अ टूर ऑफ हिज लाइक शॉप। सो क्या क्या मिलता है तेरे शॉप में? अपने पास में डिजाइन वगैरह सब अवेलेबल है, मास्टर पिल्लर है और एसेसरीज में पूरा आइटम है, बॉल वगैरह, बेस कैप, एल्बो, हाफ एल्बो, फुल एल्बो और स्क्वायर पाइप में पूरे अवेलेबल है, शीट, पट्टी, गज और राउंड में सब अवेलेबल है और रॉड वगैरह भी सभी है अपने पास। तो बेसिकली ये सारे सामान से तू क्या क्या बना सकता? इससे ग्रिल, रेलिंग, झूले, सोफा और विंडो, ग्लास रेलिंग, पूरा जितना आता है एसेसरीज सब बनता है इसका। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हॉस्पिटल के बेड वगैरह, बेड भी बनते, काउंटर बनते, हॉस्पिटल का पूरे एसेसरीज, पूरे टोटल जो भी मतलब काउंटर बेड वगैरह जो भी रहते हैं, क्योंकि मैंने इसको ऑलमोस्ट 2 या 3 साल से देखा है हॉस्पिटल के, जो जिसमें हम सलाइन लटकाते हैं वो स्टैंड्स देखे मैंने यहाँ बनते हुए, मैंने हॉस्पिटल के बेड्स बनते हुए देखे, हॉस्पिटल जो स्ट्रेचर होते हैं ना, हॉस्पिटल का पूरा फर्नीचर, फर्नीचर जो होता है लिटरली यहाँ बनता था। एंड मैं जानता हूँ कि 3 साल से भाई अपना कोशिश कर रहा था, आज इसके पास आपको स्टील का कोई भी फैब्रिकेशन, कोई अगर टेक्नीशियन आया फैब्रिकेटर तो तेरे पास सामान लेने, तो उसको ये रॉ मटेरियल के अलावा और क्या क्या चीजें मिलती, मतलब उस पे काम करने के टूल्स वगैरह भी मिल जाएंगे? सब मिल जाएंगे, जैसे कि आपको सिनेमेटिक बफ व्हील, एमरी व्हील, एवरीथिंग आपको मिलेगा, प्लस ये देखो बैंड्स, डिजाइन, एवरीथिंग भाई सब अवेलेबल। तो भाई तुम्हारे पास कौन से साइज से कौन से साइज अवेलेबल है, मतलब और तुम्हारा मार्केट के हिसाब से प्राइस वैल्यू क्या है? स्क्वायर में पूरा साइज अवेलेबल है अपने पास में, और राउंड में पूरा साइज अवेलेबल है, और मार्केट से 10 रूपए प्लस है। 10 रूपए प्लस, मतलब 10 रूपए कम में देंगे? मार्केट से 10 रूपए कम, मार्केट में 230 है, अपने पास में 220 में। 220 में, मतलब केजी के हिसाब से? केजी के हिसाब से। तो फिर आप दिखा लो भाई, तो हाँ क्या क्या, 2 इंच राउंड, और स्क्वायर जो आता 10 रूपए प्लस आता मार्केट से राउंड पे, तो 10 रूपए माइनस में मिलेगा। स्क्वायर भी और राउंड भी दोनों भी सेम रहे, अरे आधा इंच भी 15 रूपए प्लस आता। तो ये बेसिकली डिजाइन के लिए, ये पूरे डिजाइन के लिए, ये और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए है ना, ये बड़े वाले जो पाइप है स्ट्रक्चर बनाने के लिए, डिजाइन के लिए। और अगर ये ऐसे भले मना है डिजाइन अगर लेना है तेरे पास, एकदम रिजनेबल रेट में, मतलब क्या रेट में? वो ये भी केजी के हिसाब से मिलेंगे? नहीं, ये नग से, नग मतलब पर पीस का रेट रहता है। तो मार्केट के वैल्यूएशन के हिसाब से तुम्हारे पास कम मिलेगा? 100 रूपए कम, ये तो विषय नहीं। और अगर आप भी कोई स्टील फैब्रिकेटर है या फिर ऐसा ही कुछ काम करते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसके शॉप में आए
हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस शॉप की लोकेशन मिल जाएंगी, मेरे गैरेज के बाजू में है, यू कैन गो फॉर दिस। और ये भाई का मैं नंबर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली इसको कॉन्टेक्ट करके जो भी रॉ मटेरियल है यहाँ से परचेस कर सकते हैं, नो डाउट। टिल देन गाइस, राइड सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली, ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। दिस इज रोहित दुबे एंड सोनू साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस चैनल, सी यू अगेन। It's all about humanity.